आंखों में क्या हुआ था आपकी? कर्तव्य करवा दिए थे। कर्तव्य क्या होता है? तंत्र विद्या पंडित से। हम तो नहीं करते इन चीजों पे विश्वास। बाबू जी विश्वास तू कह रहे हो, तुम विश्वास के तुम कह रहे हो बाबू जी। सत्य हो। क्या नाम है भैया आपका? शिव पूजन। बैठ जाओ। कहाँ से हो भैया आप? गोंडा बस्ती सिद्धार्थ नगर से। दिल्ली कैसे आया? अब आ गया बाबू जी, मेरा पापा खत्म हो गए। पापा तो पहले सरकारी कैटरर्स थे स्कूल में। अच्छा, स्कूल में कैटर। तो पापा जब मर गए, जब मुझे अब परेशानी आ गया, मैंने कहा भाई करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठा लिया ढोलक वगैरह। शिव पूजन भाई कितनी उम्र होगी आपकी? 23 साल। तो दिखाई शुरू से नहीं, बचपन से ही नहीं देता या फिर? नहीं, ठीक थे तो 3 महीने, उसके बाद ही। अच्छा, जब पैदा हुए तो 2-3 महीने ठीक थे। हाँ। उसके बाद? हाँ। डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया? बहुत दिखाए पापा, कम से कम 8 लाख रुपए लगा चुके। कितने भाई बहन हो आप? हम 4 बहने हैं, 2 भाई हैं। जो दूसरा भाई है वो सही है? हाँ, वो सही। वो बड़ा है छोटा? छोटा मेरे से, काम करता है। कहाँ पे? करोल बाग में। इसमें क्या कुछ कमा लेते हो आप? इसमें कमा लेता हूँ बाबू जी 4-5 सौ। आँखों में क्या हुआ था आपके? कर्तव्य करवा दिए थे। कर्तव्य क्या होता है? तंत्र विद्या पंडित से। हम तो नहीं करते इन चीजों पे विश्वास। बाबू जी विश्वास तू कह रहे हो, तुम विश्वास के तुम कह रहे हो बाबू जी। ऐसा हमारे गांव में, इन्हीं से पूछ लो पनवाड़ी, अगर यही गांव के है ना, इनके गांव में, इन्हीं के गांव में ऐसे ऐसे सोखा साकल दीपिया, तुम्हें ऐसे खड़ा रहोगे ना, तुम्हें कहा कर अगर ना बगले कर देना तो फिर मुझे मत कहना। तंत्र मंत्र करवा दे, उसमें आग चली गई। हाँ हाँ। कितनी उम्र तक दिखता था आपको? मतलब मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने था तब, जब पैदा हुए थे तब। हाँ। उसके बाद नहीं सही हुआ? हाँ, उसके बाद कर्तव्य करवाया। किसने बताया 2-3 महीना दिखा? मम्मी। आपको किसने बताया? मम्मी पापा। मम्मी पापा ने बताया कि 2-3 महीने दिखा आपको? हाँ। अभी एक हमारे पास ऐसी चीज है कि अभी जो कह दूंगा वो करके ना दिखा देना, तो जो मर्जी कह देना। बताओ क्या है? बिगाड़ना किसी को तो है नहीं। ये कला कहाँ से सीखी आपने? हमने स्कूल में, हाई स्कूल 5 है बाबू जी। आपको तो दिखता भी नहीं, कैसे एग्जाम? अरे ब्लाइंड पढ़ाई होता है। ब्लाइंड ने मुझे करने का दिल नहीं करता। नहीं करने का दिल करता? हाँ बाबू जी। क्यों? का शर्म लगती है? हाँ शर्म भी लगता, कोई पैसा देता है कोई नहीं देता तो शर्म तो लगेगा ही लगेगा बाबू जी। नहीं भी करूँगा तो 1 रुपए का तरह चाहूंगा। है कि गलत कह रहा हूँ? सही बात है। कोई ऐसे तो बंदा वैसे बैठा हूँ थोड़ी ना कोई 1 रुपए दे देगा जब तक कर्तव्य नहीं करूँगा। कपड़े हैं बाबू जी? कपड़े तो यही एक ही सेट, दो सेट, एक फटा हुआ बंडी था, एक यही है। मेरे पास ज्यादा कपड़े उपड़े नहीं है। जो चलते हैं कपड़े लेने। अट्ठाईस इंच का कमर है भैया, देना बेल्ट ना लगाना पड़े। ठीक है ना, बढ़िया जो सही लगे वही देना, मतलब है सही है। चप्पल ले दे, परफ्यूम ले दे बाबू जी। परफ्यूम? परफ्यूम? चलो परफ्यूम ले देते हैं। फोग? एक परफ्यूम ले दे बाबू। ठीक है। और बताओ। बस बाबू जी 1000-1500 मेरे पास हो जाता, मम्मी मेरी दुखी है, यही मेहरबानी। अब मत मांगना। नहीं भाई बाबू जी, इधर रूम है, ये एक ये आपके कपड़े वगैरह सर पे हाथ रख दो। बस ये रहे मनोकामना पूर्ण करे बाबू जी। ठीक है बाबू जी, आराम से लेके जाना। लेकिन ठीक है, चलें फिर हम। और कुछ मदद चाहिए? बस बाबू जी फिल्म लगा दो तो बाबू जी इसमें कपड़े में मैं सीधे मैं निकलूंगा। परफ्यूम तो लगा दिया मैंने इसमें, लगा दो। लगा दिया और लगा दूं? हाँ। किससे जा रहे हो आज मिलने? अरे अब चलू, अब निकलू। मिलने किससे जा रहे हो तो बता दो। लगा दो बाबू, तो रहने दो। बता दो मिलने किससे जा रहे हो परफ्यूम लगा के? हेलो दोस्तों, हम लोग डेली सड़कों पे निकलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेसहारा लोगों की मदद हो सके। और अगर आपको भी कोई व्यक्ति सड़क पे ऐसा दिखाई दे तो आप हमें उनकी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमें किसी भी अमाउंट से डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं दिए हुए QR कोड से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।